दोस्तों, आज हम लोग श्री कृष्ण जी के बारे में ऐसे कुछ बातें जानेंगे जो शायद हम सबको नहीं पता। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था। वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे श्री कृष्ण जी। लेकिन श्री कृष्ण जी का जन्म के बाद ही श्री कृष्ण जी को लेके वसुदेव ने मथुरा से गोकुल छोड़ाए माता यशोदा और नंद बाबा के पास। और श्री कृष्ण जी बचपन से ही बहुत नटखट थे। श्री कृष्ण जी मात्र 6 दिन की उम्र में राक्षसी पूतना को वध किया था। इसके अलावा भी श्री कृष्ण जी ने त्रिनाभर्त, बदसासुर, बकासुर और अघासुर का वध किया था। और श्री कृष्ण जी का विवाह श्रीमती राधा रानी से हुआ था वंडीरवन में, और वो विवाह कराई थी ब्रह्मा जी ने। इसके अलावा भी श्री कृष्ण जी का 16,108 बीबियाँ थी। श्री कृष्ण जी इतना मधुर बांसुरी बजाते थे कि उन्हें सुन के वन के सारे पशु पक्षी दौड़े चले आते थे। वैसे तो श्री कृष्ण जी का बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन सबसे खास दोस्त थे सुदामा। और श्री कृष्ण जी का संपूर्ण जीवन धर्म के लिए समर्पित थे। उन्होंने कंस का वध किया धर्म के लिए, शिशुपाल का वध किया धर्म के लिए, जरासंध का वध किया धर्म के लिए, और महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण जी ने धर्म का ही पक्ष लिया था। बल्कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए भी बोला था, और युद्धकालीन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो बातें कही थी वही बातें भगवद्गीता के रूप में सामने आया। शरीर नश्वर है, कोई जन्म लेता है तो उसे मृत्यु भी प्राप्त होती है। एक भील के गलती से चलाते हुआ बन लग जाने से श्री कृष्ण जी का मृत्यु हो गई, लेकिन वो अमर रहेंगे क्योंकि श्री कृष्ण जी का आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स।